हेलो फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम ब्रेकिंग रजिस्टर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के साथ यूज करते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन के टाइम हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं और उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं ताकि हमारा VFD ड्राइव और ब्रेकिंग रजिस्टर प्रॉपरली वर्क करे। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं कि सबसे पहले देखेंगे डायनेमिक ब्रेकिंग के बारे में कि VFD ड्राइव में डायनेमिक ब्रेकिंग कैसे होता है, उसके बाद ब्रेकिंग रजिस्टर का यूज क्या होता है और क्या कॉमन मिस्टेक है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग से। तो डायनेमिक ब्रेकिंग एक मेथड है जिसमें कि मोटर को स्टॉप करने के टाइम हम लोग मोटर के टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टर ऐड कर देते हैं जिससे कि मोटर का जो पावर है वो रेजिस्टर में डिसिपिएट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकिंग रेजिस्टर को VFD के DC बस बार पे कनेक्ट करते हैं और जब मोटर को स्टॉप करना रहता है तो हमारा इंडक्शन मोटर उस टाइम एज ए जनरेटर वर्क करने लगता है और पावर को रिटर्न बैक करता है और इस एक्सेस पावर को डायनेमिक ब्रेक या ब्रेकिंग रजिस्टर एब्जॉर्ब करता है और मोटर को क्विकली स्टॉप करता है और ये ऑल्सो हेल्प करता है कि DC बस बार पे वोल्टेज लिमिट से ज्यादा ऊपर ना जाए। तो इस तरीके से ये डिवाइस को भी सेफ गार्ड करता है, साथ ही साथ क्विक मोटर स्टॉप करने में हेल्प करता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जब रनिंग मोड में आपका इंडक्शन मोटर चल रहा है तो इस रीजन में ये वर्क करता है और उसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहता है और जब हम लोग ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं या डीएसलेट करते हैं तो उस केस में सिंक्रोनस स्पीड का जो ये लाइन है ये शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में और हमारा मोटर वर्क करने लगता है एज ए जनरेटर और इस केस में वो एनर्जी को रिटर्न बैक करता है और इसी एनर्जी को हम लोग डायनेमिक ब्रेक या ब्रेकिंग रजिस्टर में एब्जॉर्ब करा लेते हैं और मोटर को क्विकली स्टॉप कर लेते हैं। अभी ब्रेकिंग रजिस्टर का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो हाई इनर्शिया के लोड लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोकने के लिए हम लोग डायनेमिक ब्रेक का यूज करते हैं और इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन मशीन टूल एप्लीकेशन जहां पे हमको मोटर को क्विकली स्टॉप करना है या फॉरवर्ड रिवर्स इन बिटवीन चेंज ओवर करना है क्विकली या क्रेन एप्लीकेशन, तो इन सब एप्लीकेशन में हम लोग को डायनेमिक ब्रेकिंग का रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए हम लोग ब्रेकिंग रजिस्टर यूज करते हैं। और DC बस बार की जो मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये DC बस बार है और यहाँ पे ब्रेकिंग रजिस्टर एक स्विच के हेल्प से कनेक्ट है। अभी क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं जब हम ब्रेकिंग रजिस्टर इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहला मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि प्रॉपर साइज नहीं सेलेक्ट करते हैं ब्रेकिंग रजिस्टर का और दूसरा मिस्टेक करते हैं कि पैरामीटर सिलेक्शन प्रॉपर नहीं करते हैं। हमने ब्रेकिंग रजिस्टर इंस्टॉल कर लिया बट पैरामीटर प्रोग्राम में जो VFD में करना है वो हम लोग नहीं करते हैं और उसके बाद माउंटिंग प्रॉपर नहीं करते हैं और सम टाइम हम लोग वायरिंग गलत कर देते हैं। उसके अलावा ड्यूटी साइकिल हमारे एप्लीकेशन का क्या है उसको कंसिडर नहीं करते हैं सिलेक्शन के टाइम में और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ब्रेकिंग रजिस्टर जो है एक तरीके का रेजिस्टर है जहां पे हीट जनरेट हो रहा है तो वेंटिलेशन हमको प्रॉपर चाहिए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इन सारे मिस्टेक्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। तो पहला मिस्टेक है कि इनकरेक्ट रजिस्टर साइज। तो हमें जनरली जब हम VFD ड्राइव के साथ ब्रेकिंग रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर साइज का ब्रेकिंग रजिस्टर यूज करना चाहिए, साथ ही साथ हमको देखना चाहिए कि ब्रेकिंग रजिस्टर प्रॉपर है एज पर आवर लोड। अगर नहीं है तो ये क्या होगा, एक तो लोड को प्रॉपरली रन और स्टॉप नहीं कर सकेगा, साथ ही साथ हमारे VFD को भी डैमेज करेगा। तो ये एक डाटा शीट है जिसमें कि अलग अलग मॉडल के VFD के लिए कौन से रेटिंग का ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना है वो दिया हुआ है। तो लाइक ये 5.5 किलो वाट का जो VFD ड्राइव है उसके लिए रिकमेंड किया गया है 600 वाट 100 ओम का ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना है। अभी इसके जगह पे अगर आप कम रेटिंग का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो हीट को प्रॉपर डिसिपिएट नहीं कर पाएगा और होगा क्या कि VFD भी खराब हो सकता है और या ब्रेकिंग रजिस्टर भी जल्दी खराब हो जाएगा। यहाँ पे आप कम रेटिंग का भी ब्रेकिंग रजिस्टर लगा सकते हैं अगर आपका ड्यूटी साइकिल कम है। दूसरा मिस्टेक हम लोग करते हैं पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम कि हम लोगों ने ब्रेकिंग रजिस्टर को प्रॉपरली लगा लिया, उसका रेटिंग भी प्रॉपर सेलेक्ट कर लिया बट हम लोगों ने प्रोग्राम में जाकर प्रॉपर उसका पैरामीटर सेटिंग नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, ब्रेकिंग रजिस्टर वर्क नहीं करेगा। अभी होता क्या है कि ब्रेकिंग रजिस्टर को सिस्टम में यूज करने के लिए हमको ब्रेकिंग रजिस्टर का ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है, तो अगर हमने डायनेमिक ब्रेक का ऑप्शन इनेबल नहीं किया है तो हमारा ब्रेकिंग रजिस्टर यूज में ही नहीं आएगा और इस केस में क्या होगा कि आपका VFD ड्राइव पे ज्यादा लोड आएगा और वो खराब हो सकता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं CG इमोट्रॉन VFD का जिसमें कि ब्रेकिंग रजिस्टर का पैरामीटर दिया हुआ है मैनुअल में। तो यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि ब्रेक कंट्रोल सिलेक्शन अगर यहाँ पे आपने इसको इनेबल नहीं किया तो ब्रेकिंग रजिस्टर आपने भले फिजिकल में लगाया है बट वो यूज में नहीं आएगा। इसी तरीके से अदर पैरामीटर को भी एडजस्ट करना है कि कितने टाइम तक ब्रेकिंग रजिस्टर सिस्टम में ऐड होना चाहिए या कितने फ्रीक्वेंसी रेंज में वो वर्क करेगा, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आता है कि हम लोग कई बार प्रॉपर माउंटिंग नहीं करते, तो प्रॉपर माउंटिंग नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हीट डिसिपेशन प्रॉपर नहीं होगा और इससे क्या होगा कि ब्रेकिंग रजिस्टर हीटअप होगा। और यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रेकिंग रजिस्टर में हीट जनरेट हो रहा है, तो अगर हम इसको किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं कि जिसके बगल में हीट सेंसिटिव डिवाइस लाइक कोई इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी या कोई कंट्रोलर लगा हुआ है, तो वो उस हीट की वजह से खराब हो सकता है। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल है तो पैनल में पीएलसी के बगल में हमको ब्रेकिंग रजिस्टर नहीं लगाना है। अगर स्पेस है प्रॉपर तो हमको उसको अलग करना है सिस्टम के साथ, अगर पैनल के अंदर स्पेस नहीं अवेलेबल है तो ब्रेकिंग रजिस्टर हम पैनल के बाहर लगा सकते हैं और उसको प्रॉपर कूलिंग देना है, वेंटिलेशन देना है ताकि वो कूल हो सके। इसके अलावा एक मिस्टेक हम ये भी करते हैं कि सम टाइम वायरिंग गलत कर देते हैं, तो वायरिंग गलत कर देंगे तो ये वीएफडी को भी खराब कर देगा और ब्रेकिंग रजिस्टर को भी खराब कर देगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम वीएफडी ड्राइव में ब्रेकिंग रजिस्टर लगाते हैं तो उसका मैनुअल सबसे पहले पढ़ना है और मैनुअल में जैसा बताया है उसके हिसाब से ब्रेकिंग रजिस्टर का कनेक्शन करना है। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग वीएफडी ड्राइव का और देखेंगे कि उसमें वायरिंग किस तरह से बताया हुआ है। लाइक ये वीएफडी ईएल सीरीज मेक डेल्टा का वीएफडी ड्राइव है और इसका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लस और माइनस दिया हुआ है और एक ये ब्रेक यूनिट मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वीएफडी के साथ ब्रेकिंग रेसिस्टर यूज करना है तो आपको ब्रेक यूनिट भी लगाना पड़ेगा, और अगर आप ब्रेक यूनिट नहीं लगाते हैं डायरेक्टली ब्रेकिंग रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या कि एक रेजिस्टर आप डीसी बस बार के पैरेलल में ऐड करेंगे और इस केस में आपका वीएफडी ड्राइव खराब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा वीएफडी का एग्जांपल लेते हैं, ये इमोट्रॉन वीएस सीरीज का वीएफडी ड्राइव है। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लस और पीबी के क्रॉस ब्रेकिंग रेजिस्टर लगाने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इनबिल्ट है वीएफडी के अंदर। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है जब आप वीएफडी में ब्रेकिंग रजिस्टर लगाते हैं, जहां पे इनबिल्ट ब्रेकिंग यूनिट है तो वहां पे ब्रेकिंग रजिस्टर वीएफडी में डायरेक्ट लगाना है और जहां पे इनबिल्ट नहीं है तो वहां पे आपको ब्रेकिंग यूनिट भी खरीदना है अलॉन्ग विद ब्रेकिंग रजिस्टर। इसके बाद एक कॉमन मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम ड्यूटी साइकिल को कंसिडर ही नहीं करते हैं ब्रेकिंग रजिस्टर लगाने के टाइम, तो इससे क्या होगा कि ड्यूटी साइकिल हमें एप्लीकेशन का नहीं पता है तो उससे हम गलत साइज का ब्रेकिंग रजिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, और हाई ड्यूटी एप्लीकेशन में अगर हम लो रेटिंग का ब्रेकिंग रजिस्टर लगाते हैं तो वो प्रॉपर हीट डिसिपेशन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम दो केस कंसीडर करते हैं, केस वन की मोटर हमारा है और वो कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड रिवर्स मूव कर रहा है, तो इस केस में हमको मैक्सिमम रेटिंग का ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना है एज पर वीएफडी मैनुअल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपका ब्रेकिंग एप्लीकेशन हो रहा है। दूसरा केस है कि मोटर आपने ऑन कर दिया तो वो कभी कभार ऑफ होता है या रुकता है या डीएसलेट होता है, तो इस केस में अगर हम मिनिमम रेटिंग का ब्रेकिंग रजिस्टर लगाते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा, या अगर डीएसलेशन टाइम ज्यादा है तो इस केस में ब्रेकिंग रजिस्टर नहीं भी लगाएंगे तो भी वीएफडी प्रॉपर रन करेगा। अगला मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखते हैं और जब हम लोग ब्रेकिंग रजिस्टर को यूज करेंगे तो उससे हीट जनरेट होगा और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो वो ओवर हीटिंग करेगा और ब्रेकिंग रजिस्टर को खराब कर देगा, और साथ ही साथ ऐसे एरिया में नहीं लगाना चाहिए जहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और इट इज नॉट रिकमेंडेड कि उसको पैनल के अंदर लगाए और पैनल में कोई वेंटिलेशन नहीं है। और सम केसेस में नेचुरल कूलिंग का भी यूज किया जाता है ब्रेकिंग रजिस्टर के साथ, तो इस केस में हमको पैनल के बाहर उसको लगाना चाहिए और अगर प्रॉपर वेंटिलेशन अवेलेबल है तो कोई इशू नहीं है, उसको पैनल के अंदर भी लगा सकते हैं। अभी इस केस में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल पैनल है और इस केस में कोई भी कूलिंग अरेंजमेंट नहीं है पैनल के अंदर, तो यहाँ पे ब्रेकिंग रजिस्टर को हमने दो इंसुलेटर के हेल्प से उसके पैनल पे माउंट कर दिया है, तो इसका जितना भी सरफेस है वो नेचुरल कूल्ड हो रहा है और हीट को डिसिपेट कर रहा है एनवायरनमेंट में। इसी तरीके से सम टाइम इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर फैन होता है कि अंदर का गर्म हवा बाहर निकल सके, तो हम अगर इसको यहाँ पे लगा देते हैं तो ये ब्रेकिंग रजिस्टर के सरफेस पे एयर को ब्लो करेगा और उसका भी हीट जल्दी से निकाल लेगा। तो इस टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं जब हम ब्रेकिंग रजिस्टर को माउंट करते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ। नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। लाइक अगर एम्बियंट टेम्परेचर लोकेशन जहाँ पे हम लोग वीएफडी ड्राइव अलॉन्ग विद ब्रेकिंग रजिस्टर यूज कर रहे हैं वो कम है, तो वहां पे हम लोग ब्रेकिंग रजिस्टर को विदाउट एनी वेंटिलेशन और फोर्स कूलिंग के लगा सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लाइक 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहां पे हमको फोर्स कूलिंग या कुछ फैन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि ब्रेकिंग रजिस्टर का हीट बाहर निकल सके। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया
ब्रेकिंग रजिस्टर जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या कंसीडर करना चाहिए ताकि हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और VFD मोटर एंड ब्रेकिंग रजिस्टर का लाइफ भी इंक्रीज हो। तो इस तरीके से मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूँ। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट।